नमस्कार, आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं ताजा खबर की ओर। मालकानगिरी जिला ब्लॉक सिंदरीमाल ग्राम पंचायत की सतीगुड़ा डेम साइड में बीजू जनता दल बीजेडी के तरफ से पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव के मद्देनजर प्रचार प्रसार की बैठक एवं मिश्रण पर्व अनुष्ठित हो गई है। बीजू जनता दल के विकास मूलक कार्य से अनुप्रमाणित होकर सिंदरीमाल ग्राम पंचायत के 21 वार्डो से 300 से ज्यादा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बीजू जनता दल में शामिल हुए। इस माटी के सुपुत्र सबके चहेते एवं जने सुने चेहरे पूर्व सांसद प्रदीप मांझी के सामने उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी के नीति आदर्श से अनुप्रमाणित होकर विधिवत तरीके से इस प्रकार जिला में हजारों कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजू जनता दल में शामिल होते देखने को मिल रहा है। इस कार्यक्रम में पूर्व सांसद प्रदीप मांझी सिंदरीमाल ग्राम पंचायत के समस्त वोटरों से हाथ जोड़कर अनुरोध किया है कि इस जिला परिषद जोन की बीजू जनता दल के प्रार्थिनी श्रीमती कुनी भूमिया को शंख चिन्ह में बहुत संख्या में मतदान करने की, ताकि जीतने के बाद इस ग्राम पंचायत के सभी प्रकार समस्याओं का निवारण कर सके, जैसे कि सतीगुड़ा इसको पार्क के लिए उन्नत किस्म की पिच रास्ता, पीने के पानी, मोबाइल टावर, सेटलमेंट घर, जमीन का पट्टा, स्वास्थ्य शिक्षा सुविधा। इस बैठक में पूर्व सांसद प्रदीप मांझी, मालकानगिरी जिला स्वतंत्र पर्यवेक्षक रघुराम माचा, पूर्व मीडिया प्रभारी सदानंद खरापूर्व और पूर्व पार्षद पेंड्रा पंडा, पूर्व सरपंच घासी नायक, पूर्व छात्र नेता रवि राजेश के साथ बहुत से बीजू जनता दल कार्यकर्ता मौजूद थे। ओडिशा मालकानगिरी से गोविंद मंडल की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहे और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।